सब्सक्राइब करें टेक्निकल एकेडमी चैनल को और प्रेस करें इस बेल आइकॉन को ताकि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। नमस्कार दोस्तों, मेरे टेक्निकल एकेडमी चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने मेरा चैनल टेक्निकल एकेडमी सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड बटन पर क्लिक करके सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस बेल आइकॉन को दबा दें ताकि जो भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड नई नई वीडियो मैं अपने चैनल पर डालता रहता हूं वो आप तक नोटिफिकेशन के जरिए आसानी से पहुंच जाए। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, अगर आप एक यूट्यूबर हैं और आप एक अपने चैनल के लिए ही बहुत अच्छा या बहुत बेहतरीन 3D इंट्रो चाहते हैं तो दोस्तों मैं इस वीडियो में आपको वही बताने जा रहा हूं। दोस्तों, एक नए यूट्यूबर के लिए उसके चैनल का इंट्रो बहुत ही मायने रखता है। दोस्तों, हर नया यूट्यूबर चाहता है कि उसका जो चैनल हो उसका इंट्रो जो हो वो बहुत अच्छा बना हो, देखने में वो बहुत अच्छा लगे, दूसरों को अट्रैक्ट करे। पर नए यूट्यूबर को या बहुत से ऐसे यूट्यूबर हैं जिन्हें पता नहीं होता कि इंट्रो कहाँ से बनाया। दोस्तों, बहुत से ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जहाँ से आप इंट्रो बना सकते हैं। एंड्रॉयड फ़ोन से भी बहुत से ऐसे सॉफ्टवेयर हैं या आपके PC में बहुत से ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जिससे आपके इंट्रो बनाए जा सकते हैं 2D और 3D। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको 3D इंट्रो बनाना सिखाऊंगा, वो भी बिना किसी सॉफ्टवेयर के। दोस्तों, इसमें सिर्फ आपको PC की ज़रूरत पड़ेगी और आपके पास इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। तो दोस्तों चलिए बिना टाइम गवाए हुए हम देखते हैं कि हम कैसे बनाएंगे। दोस्तों, सबसे पहले आप अपना YouTube ब्राउज़र ओपन कर लीजिए और वहाँ पर आप टाइप कीजिए PAMJOID। पेनजॉइड टाइप करेंगे तो आपके सामने ये विंडो ओपन होकर आ जाएगी। तो सबसे पहले पर जो ऑप्शन आ रहा है आपको उसी को ओपन कर लेना है। दोस्तों, ये देखिए आपके सामने ये वेबसाइट ओपन होकर आ गई। इसमें दोस्तों बहुत से ढेर सारे आपको 3D इफेक्ट मिलेंगे जो डायरेक्टली आप अपने वीडियो में यूज कर सकते हैं, आप अपने इंट्रो में यूज कर सकते हैं। देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर हर तरह के ये सारे 3D इफेक्ट हैं ये आपको मिलेंगे जो आप अपने वीडियो में यूज कर सकते हैं। यहाँ से आप मोर पे आ जाइए, ये देखिए यहाँ से आपको कई सारे इमेज मिलेंगे। आप ये देखिए, इसे आप अपने वीडियो के लास्ट स्क्रीन में लगा सकते हैं। तो चलिए अब इनमें से मैं आपको एक बताता हूँ कि कैसे हम बनाएंगे 3D अपने 3D इंट्रो। तो यहाँ पर मैंने पहले ही से एक अपना ओपन करके रखा हुआ है तो मैं वो आपको दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, इसे मैं क्लोज कर दे रहा हूँ, ये मैंने पहले से ओपन किया है। तो मैं इसे एडिट करके दिखाऊंगा इसे आप अपना इंट्रो में कैसे लगाएंगे। तो ओपन क्लिप मार्क मेकर पे क्लिक करूँगा। तो दोस्तों ये देखिए, मेरे पास एक नई विंडो ओपन होकर आएगी। आप थोड़ा वेट करें क्योंकि ये थोड़ी देर में ओपन होगा। ये देखिए दोस्तों, ये आपके पास ओपन होकर आ गया। अब आप इसे देखना चाहते हैं, इसका प्रीव्यू करना चाहते हैं तो आई बटन पे क्लिक करिए पहले, उसके बाद यहाँ पर प्ले बटन पे क्लिक कर दीजिए। तो देखिए दोस्तों, इस तरह आपका इंट्रो शो होगा। अब यहाँ पर योर नेम में आप अपना नाम कैसे एडिट करेंगे तो मैं इसे पहले पॉज कर देता हूँ। आप इस आई बटन पे क्लिक करे रहें, इसे आप रहने दें ऐसे ही। अब आपको यहाँ पर आना है ऑब्जेक्ट्स में, ऑब्जेक्ट्स में आप क्लिक कर लीजिए तो आपके पास इस तरह की विंडो खुल जाएगी। अब आप यहाँ से इसे ड्रैग करके नीचे लाइए और यहाँ पे आप ढूंढिए टेक्स्ट कहाँ पर लिखा हुआ है। ये देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पर टेक्स्ट मिल गया। देखिए योर ग्रुप में टेक्स्ट होता है, पहला टेक्स्ट है योर ये जो ऊपर लिखा है, एंड दूसरा टेक्स्ट है नेम ये जो नीचे लिखा है। तो आपको ये दोनों चेंज करना होगा। तो इसे हम कैसे करेंगे, यहाँ पर हम योर पे क्लिक करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आपको देखिए टेक्स्ट एडिट करने का ऑप्शन नहीं दिख रहा होगा, तो आप यहाँ नीचे आकर इसे थोड़ा ड्रैग करके ऊपर कर लीजिए। तो ये देखिए आपको योर दिख गया। तो आप यहाँ पर अपना कर्सर लाइए, इसे बैक करिए एंड यहाँ पर टाइप कर लीजिए। जैसे मैं अपने चैनल का नाम टाइप कर लेता हूँ, टेक्निकल एकेडमी टेक्निकल। तो दोस्तों मुझे हर जगह चेंज करना होगा टेक्निकल टाइप करके, मैं बस नीचे यहाँ पर एक बार क्लिक कर लेता हूँ। तो ये देखिए चेंज हो गया। अब मैं इसे भी चेंज करूँगा नीचे वाले को, यहाँ भी योर लिखा है, यहाँ पर भी मैं सेम वही दूँगा। यहाँ अभी देखिए टेक्निकल हो गया। अब मैं यहाँ नीचे हल्का सा क्लिक कर लेता हूँ, देखिए एक तो मेरा चेंज हो गया। अब मैं यहाँ दूसरे पे नेम नीचे वाला चेंज करूँगा, तो
तो मैं फिर यहाँ एक बार क्लिक कर लिया और इसे ड्रैग करके थोड़ा सा ऊपर लाऊंगा। यहाँ से मैं नेम को एडिट कर लूँगा। ये देखिए एक चेंज हो गया मेरा, यहाँ पे एक बार क्लिक कर लूँ। अब फिर यहाँ पर दूसरा मैं चेंज करूँगा, यहाँ पे मैं एकेडमी कर देता हूँ। फिर मैं यहाँ क्लिक कर लूँगा एक बार। तो ये देखिए दोस्तों आपका ये दोनों चेंज हो गया। इसे थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ। पहले मैं इसका प्रीव्यू आपको दिखा देता हूँ कि कैसे ये शो हो रहा है, फिर आपको थोड़ा इसके बारे में और बता देता हूँ। तो मैं यहाँ प्ले करके देख लेता हूँ पहले एक बार। तो ये देखिए टेक्निकल एकेडमी इस तरह चैनल होगा। तो यहाँ पर आप अपने चैनल का नाम भी डाल सकते हैं। अब मैं इसे स्टॉप कर रहा हूँ और यहाँ पर आप देख लीजिए इसकी थोड़ी सी और सेटिंग। मैं एक बता दे रहा हूँ, इसी तरह सारे होंगे जैसे मैंने एकेडमी यहाँ पे लिखा था। तो यहाँ पे आप इसका फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो कई तरह के फॉन्ट हैं। तो जैसे मैं इस पर क्लिक कर दूँगा तो इस तरह का फॉन्ट यहाँ पे हो जाएगा। ये देखिए अब यहाँ पे आप इसकी हाइट भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करके आप कोई भी हाइट टाइप कर दीजिए। यहाँ पे इसकी थिकनेस भी चेंज कर सकते हैं। और नीचे आइए, अगर आप चाहते हैं इसका कलर चेंज करना तो आप कलर रेड है कलर भी चेंज कर सकते हैं, कोई भी कलर आप ले सकते हैं। यहाँ से कलर भी आपका चेंज हो जाएगा। तो ये तो हो गई आपकी सेटिंग के बारे में। अब इस वीडियो को आपको डाउनलोड करना है, तो मैं अब जैसा चेंज था वैसे रहने दे रहा हूँ, फिर अब दोबारा सही नहीं कर रहा हूँ। मैं बस डाउनलोड करके आपको दिखा दूँ, फिर अगर आप बनाना चाहें तो आप अपने हिसाब से सेटिंग करके आप कोई भी बना सकते हैं इंट्रो। तो यहाँ पे मैं डाउनलोड पे क्लिक कर दूंगा। यहाँ से आपको फॉर्मेट इसका सेलेक्ट कर लेना है, m.mkv पे रहने देते हैं। मोड आप यहाँ से देख लीजिए, एक्सट्रीम क्वालिटी स्लो, इसमें आपकी वीडियो थोड़ा स्लो चलेगी। क्वालिटी गुड क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी में चाहिए तो आप, मैं गुड क्वालिटी पे यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ और स्टार्ट रेंडर पे क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे आपकी थोड़ी देर टाइम कैलकुलेट होगा, टाइम लगेगा इसको रेंडरिंग होने में, तो इसे आप होने दें। दोस्तों ये देखिए आपकी जो रेंडरिंग प्रोसेस हो रही थी वो कम्प्लीट हो गई। अब मैं यहाँ पे डाउनलोड योर वीडियो पे क्लिक कर देता हूँ। देखिए दोस्तों जैसे मैं डाउनलोड वीडियो पे क्लिक किया तो मेरे पास ये नया पेज ओपन होकर आ गया। अब आप थोड़ी देर वेट कर लीजिए, यहाँ देखिए नीचे आपका डाउनलोड हो गया। अब मैं इसे ओपन करके आपको दिखा, ये देखिए दोस्तों कैसे मेरे चैनल का 3D इंट्रो तैयार हो गया। दोस्तों ये इंट्रो बनाना बहुत ही आसान है, सिर्फ 2 मिनट या 3 मिनट का समय लगेगा और आप अपना बेहतरीन बहुत अच्छा इंट्रो बना सकते हैं जिससे आप लोगों को अट्रैक्ट कर सकें। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करना ना भूलें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू दोस्तों सो मच, फिर मिलेंगे नए वीडियो में। बाय बाय।